सब देख सकते हैं भैया, पवन भैया लाइव आ चुके हैं और दीपक भैया के फिलहाल ऑफिस पे हम लोग हैं और मिठाई चल रहा है, मुंह मीठा किया जा रहा है। एक बार भैया को दिखा दीजिए भैया। तो आप लोग देख सकते हैं अभी भैया पहुंचे हैं पावर स्टार पवन सिंह जी के ऑफिस में, दीपक सिंह जी के पास, और देख सकते हैं सभी लोग बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भोजपुरी का प्यार है, भोजपुरी वालों लोगों का प्यार है, भोजपुरी समाज का प्यार है। बहुत बहुत बधाई भैया को। आप भोजपुरी भाषा का बहुत बड़ा एहसान है जो आज एक छोटे से गांव से लड़का निकला हुआ जो कि जो कहरी गांव से आता है और वहां से निकल करके और आज आजकल में पुष्टि हम लोग आप ही लोग के न्यूज द्वारा सुन रहे हैं कि टिकट फाइनल हो गया है। आजकल में पुष्टि हो जाता है, उसके बाद हम जब पुष्टि हमारे पास अगर आ जाता है तो हम आकर के आप लोग को क्लियरली बता देंगे कि क्या हुआ। इसका श्रेय भी तो भैया आप ही को जाता है। नहीं, इसका श्रेय पूरे भोजपुरी समाज को जाता है, पूरा भोजपुरी भाषा को जाता है और आप सब भाई को जाता है। आसनसोल में लगातार जो पहले से सांसद है वो बिहारी बाबू बन के भाई अभी टिकट को मिल जाएगा कि आसनसोल लड़ेंगे कि बिहार लड़ेंगे कि यूपी लड़ेंगे, कहाँ चुनाव लड़ाएंगे उस पर डिपेंड करता है। खबर तो चल रहा है कि आसनसोल टिकट, भाई आप ही लोग का खबर सुन करके हमको भी लग रहा है कि आसनसोल टिकट, मतलब बिहार के ज्यादा पसंदीदा लोग हैं। सबसे सवाल है बिहार या अवसी का लड़ रहा है या फिर भोजपुरी लड़ रहा है? भोजपुरी लड़ रहा है, भोजपुरी लड़ रहा है और भोजपुरी और पूरा हिंदी भाषी और जितनी भी आप लोग का प्यार है सबके लिए, पूरा बिहार यूपी पूरा हिंदी भाषी सब आप सब लोग लड़ रहे हैं। और से आग्रह कर दीजिए कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ बहुत आइए, अगर टिकट मिल रहा है तो आप लोग जब सब लोग सांसद है ना, पवन जी अकेले सांसद नहीं होंगे, पूरा पूरा क्या बात है, क्या ब्रदर रिकॉर्ड तोड़ बहुमत मिलेगी, आप जनता के ऊपर है, आप लोग ऊपर है, भगवान बहुत धन्यवाद। चलिए क्या बात है, मर्द हो गए सही मतलब टाइम कम बा ग्रुप में डाल दिया जी। अच्छा हमसे पहले जो ग्रुप बना हमने जिससे राष्ट्रीय कार्यकारिणी से चिट्ठी है वो चिट्ठी में। तो दोस्तों मीटिंग हो गई डन और पवन भैया बहुत जल्द आ रहे हैं बिहार, उसके बाद फिर जाएंगे जो कहरी और उसके बाद फिर वहां से जाएंगे आसनसोल। तो सारा कुछ आप लोग को अपडेट मिलता रहेगा अब लगातार। अभी फिलहाल सारे मीडिया भाई लोग आए थे दीपक भैया के ऑफिस पर और बातचीत हुआ, मीटिंग हुआ। 12 तारीख को लगभग पवन भैया बिहार आ जाएंगे और 13 तारीख के यहाँ से आसनसोल निकलेंगे सबको साथ में। मिशन 2024। और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करेगा, चैनल बनाएंगे तो सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय, जुड़े रहिए, लगातार अपडेट यहीं पे मिलेगा आपको। सब देख सकते हैं भैया, पवन भैया लाइव आ चुके हैं और दीपक भैया के फिलहाल ऑफिस पे हम लोग हैं और मिठाई चल रहा है, मुंह मीठा किया जा रहा है।